Hello and good morning to all of you. Welcome back to my channel. So in this video we are talking about the requirement of New Zealand Nursing Council, that is fit to work, or we can say ICHC, International Criminal History Check. So in this video I am going to tell you how you can meet those requirements. So first of all, you have to log in to the fit to work via Google or the link which will be given to you in the MyIQN mail. So सबसे पहले आपको register पर tap करके यहाँ पर अपनी basic details भरनी है. तो जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरोगे, नीचे कंसेंट पे साइन करोगे, तो आपके सामने एक कंफर्मेशन मेल आएगा. बेसिकली तो डिटेल्स में यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फिल करनी है, बस यही मेक श्योर करना. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल चेक करनी है. ईमेल में जो लिंक आएगा उस पर टैप करने के बाद यहाँ से साइन इन कर लेना है. ठीक है, साइन इन करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है. जो आपका इंडिया का नंबर है इंडिया का डाल दो, अगर आप यूके में हो या फिर आयरलैंड में हो तो अपना वहाँ का जो भी लोकल नंबर है वो नंबर यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, OTP के थ्रू ये कन्फर्म करना है. ठीक है, उसके बाद आपके सामने फिट टू वर्क की ऐसी प्रोफाइल ओपन होगी. तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने ये डायरेक्ट अकाउंट ओपन किया हुआ है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए. तो जो मेरा फिट टू वर्क है वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा. तो मैंने ऑक्यूपेशन को खाली छोड़ दिया था, मैंने इसमें कुछ भरा नहीं था. ठीक है, क्वालिफ़िकेशन में मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड की थी, जो भी मेरी बैचलर की जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मैंने इसमें डाली थी. तो आप लोग ये डाल सकते हो. ठीक है, और अगर इसमें कोई कॉलम खाली रह गया तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, कभी कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाओ इसमें. तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में भी मैंने कुछ डाला नहीं था, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला और मेरी जो फिट टू वर्क है वो कंप्लीट हो गया था. उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे आप देख सकते हो कि प्रोफाइल फ़ोटो की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह की है. तो आप एक फ़ोटो अपलोड कर देना है यहाँ पे. तो फिर मैंने लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन किया था तो मेरे सामने ऐसी विंडो ओपन हुई थी. तो जो क्रिएट चेक में मैंने इंडियन पुलिस चेक को सेलेक्ट किया था सबसे नीचे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट पे जैसे ओके करेंगे तो ये हमारी दो आइडेंटिटी मांगता है और हमसे पूछता है कि आपने कभी नाम चेंज किया है या फिर नहीं. तो हमने वो बता देना है यस नो की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया था. आपके पास अगर गवर्नमेंट इशूड कोई भी आईडी है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो भी अटैच कर सकते हो. उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पे टाइप करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन होगा. तो यहाँ पे हमें अपना पूरा एड्रेस डालना है, अपने फादर का नेम डालना है. तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने रिव्यू के लिए पूरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी. यहाँ पे नीचे आप लोगों को साइन करना है और सबमिट करना है. ठीक है, तो या तो आप साइन करके सेव एंड एग्जिट करके बाद में पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे पे ओके करके और साथ के साथ अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और पेमेंट हम बाद में करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये तो डमी प्रोफाइल है ना. और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने जो एक्चुअल में किया था उसमें क्या क्या हुआ था. तो पेमेंट करने के बाद जो स्टेटस होता है वो ऐसे शो होता है कि रेफर फॉर मैनुअल प्रोसेसिंग. और उसके बाद 5 to 7 days में मेरा कंप्लीट हो गया था और ये लोग खुद ब खुद न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल को जो रिपोर्ट है वो खुद ही भेज देते हैं. आप हम लोगों को भेजने की इसमें ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, आप लोग अपने फिट टू वर्क को बेसिकली न्यूजीलैंड जाने से 1 महीने पहले कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम पे या फिर उसके बाद कर सकते हो. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, आराम से कर लोगे आप. एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन आइदर कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज. और भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल पे अब न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं और आप लोगों का ज्ञान ही बढ़ेगा. कुछ नुकसान तो होगा नहीं सब्सक्राइब करने से, तो कर लो सब्सक्राइब.